शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चले जाओ यहाँ से। आउट। जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से टकरा सकता है, तुम उसे ही भूल गई। तुमसे ज्यादा हमारे घर की इज्जत को और कौन बर्बाद कर सकता है। सर्व मंगल मंगले सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की पूजा से हम स्वर्ग तो पा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप जनता जनार्दन के पास जाइए और धुआंधार प्रचार कीजिए, और जिस तरह भगवान को कीर्तनों से रिझाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जनता को अपने भाषणों से मनाइए। और अगर नहीं माने तो दारू का प्रसाद चढ़ाइए, नोटों से उनकी आरती कीजिए, और फिर देखिए कि इलेक्शन में हमारी कितनी शानदार जीत होती है। किशन चंद जी, हम कुछ भी कर लें, वार्ड नंबर 11 हनुमान चौक का इलाका हम नहीं जीत सकते। नहीं, सिर्फ बेवकूफों की डिक्शनरी में लिखा होता है भक्ति प्रसाद। डैडी ये ठीक कह रहे हैं, वो एरिया स्वराज पार्टी का घर है, वहाँ के लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। तेजा बेटे, जहाँ लालच की राजनीति नहीं चलती, वहाँ आतंक की रणनीति चलानी पड़ती है। संग्राम जी, उस इलाके में इतना आतंक फैला दो कि लोगों को लगे कि अगर उन्होंने स्वराज पार्टी का नाम भी लिया तो उनकी जबान चल जाएगी, और अगर वोट दिया तो जान चली जाएगी। इलेक्शन के दिन मौत के फरिश्ते बनकर तुम लोग उस इलाके में छाए रहना। समझ गए। शांति शांति।
इंस्पेक्टर, तुम जानते हो तुमने किस पर हाथ उठाया है? मैं किशनचंद जी का दाया हाथ हूँ। तुम दाया नहीं, बाया हाथ हो, जिससे कंधा काब किया जाता है। आप लोग बगैर किसी डर के जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। बेटा, तुमने सही वक्त पर आकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कानून की रक्षा करना तो मेरा फर्ज है अंकल। तुमने कानून की नहीं बल्कि आम जनता के अधिकारों की भी रक्षा की है। तुम्हारी तरह हर ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी तरह अंजाम दे तो यहाँ गुंडों के राज के बजाय जनता का राज हो जाएगा। एक विशेष सूचना, महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में श्री कृष्णचंद्र चोपड़ा की आदर्श पार्टी 2/3 सीटों से विजय घोषित कर दी गई है। श्री कृष्णचंद्र चोपड़ा सर्वसम्मति से महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चुन लिए गए हैं। मेयर किशनचंद जिंदाबाद, मेयर किशनचंद जिंदाबाद, मेयर किशनचंद जिंदाबाद। दोस्तों, इलेक्शन से पहले हमारा नारा था, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। मेयर साहब, मैंने अपने वार्ड में इलेक्शन के लिए 2,00,000 रुपए खर्च किए हैं। ओहो, फिकर मत कीजिए, आपको कॉर्पोरेशन के तमाम स्कूल्स के टीचर्स को अपॉइंट करने का हक दे दिया जाएगा और आप हर टीचर से 5,000 रुपए वसूल करेंगे। मेयर साहब, मेरा क्या होगा? आपको शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। आप ऐसा कीजिए, पहले सारी पुरानी लाइटें तोड़ दीजिए, उसके बाद नई लाइटें लगा दीजिए। किशनचंद जी, कहीं ऐसा ना हो कि दूध मलाई सब बढ़ जाए और मेरे हिस्से में सिर्फ खुरचन रह जाए। घबराओ नहीं भक्ति प्रसाद, अपने वार्ड में तुम्हें देसी दारू की दुकान खोलने का लाइसेंस मिल जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद किशनचंद जी की। दारू का अड्डा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, दारू का अड्डा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। खामोश, तुम कौन होते हो रोकने वाले? अरे भाई, इनके पास लाइसेंस है। हाँ मालूम है, लाइसेंस है। तुम अपने आदमियों को कहीं का भी लाइसेंस दे सकते हो इसलिए कि तुम्हारे पास पावर है। और तुम्हारे पास पावर नहीं है इसीलिए तुम चिल्ला रहे हो? नहीं, मैं उन गरीबों के लिए चिल्ला रहा हूँ जिनकी बजगुदी शांति को भी तुम खत्म कर देना चाहते हो। आप तो उल्टी टोपी पहना रहे हैं। दारू का अड्डा बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा। शट अप, हम अपना अंजाम खुद अपने हाथों से लिखते हैं। कान खोल कर सुन लो, ये दारू का अड्डा यहाँ खुलकर रहेगा। नहीं, यह दारू का अड्डा नहीं खुलेगा। अरे क्या देखते हो, मरो इनको, मरो, मरो इन लोगों को, धक्के दो। अंकल ये क्या झगड़ा है? सुनील, ये भक्ति प्रसाद गरीबों की बस्ती में दारू का अड्डा खोल रहा है। इंस्पेक्टर, इनके पास लाइसेंस है, इसके बावजूद भी ये जबरदस्ती यहाँ फसाद खड़ा करना चाहते। लाइसेंस दिखा दो। देखिए सर, ये देखिए, ये लाइसेंस देखिए, ये कानून की आड़ लेकर यहाँ भूख और तबाही लाना चाहते हैं। हम यहाँ दारू का अड्डा खोलने नहीं देंगे। अंकल, ये जो भी कर रहे हैं गैर कानूनी नहीं है, इनके पास लाइसेंस है, आपको इन्हें रोकने का कोई हक नहीं। क्या तुम भी इनकी तरफ से बोलने लग गए? मैं सिर्फ कानून की तरफ से बोलता हूँ और कानून की रक्षा करता हूँ, जो मेरा फर्ज है। आपसे भी मेरी सलाह है कि आप भी कानून मत तोड़िए। अरे सेवक राम, कब आए तुम? जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे तब आया। अच्छा, तो आपने भी गीता सुनी? बिल्कुल सुनी। तो फिर आपको भी पुण्य मिलेगा। जरूर मिलेगा। हाँ चले चलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आज सब बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ हैं।
बैठो सेवक राम, बैठो यहाँ, बैठिए। हाँ बैठिए। ठहरिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। दादी माँ। यार दीनानाथ, ये बच्ची तो चमत्कार है, इतनी छोटी उम्र में तुमने इसे क्या कुछ सिखा दिया। मैंने कुछ नहीं सिखाया भाई, पता नहीं किन माँ बाप की बच्ची है, उनके संस्कार और आदतें लेकर चली आई है। मेरा बड़ा बेटा रवि से अनाथ आश्रम से यहाँ ले आया है। हाँ तो चाचा जी, अब बताइए किस गुनहगार को सजा दिलवानी है और किस बेगुनाह को इंसाफ दिलवाना है। अरे अरे शक्कर मत डालो। क्यों? ओफो दादी माँ, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि चाय में शक्कर नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को शक्कर की बीमारी होती है। हाँ। तो आप चाहते हैं कि वो शराब की दुकान वहाँ से हटा दी जाए, यही ना? हाँ बेटे। नो प्रॉब्लम, हट जाएगी। भैया जल्दबाजी में वादा मत करो, वहाँ से दुकान हटाना आसान नहीं है, उन लोगों के पास लाइसेंस है। अरे लाइसेंस है तो क्या हुआ, रवि की काबिलियत पर कभी भूल कर भी शक न करना, ये किसी भी केस को उलट पुलट कर सकता है। पिताजी भैया का ये केस जितना मुश्किल है। देखो सुनील, इस केस को मैं जरूर जीतूंगा। इम्पॉसिबल। अरे छोटे बड़े को मत ललकार, तू हार जाएगा बेवकूफ। हाँ? क्या कहा? मेरा बेटा बेवकूफ है और तुम्हारा बेटा होशियार है? मेरा बेटा कह रहा है तो तुम्हारा बेटा जरूर हारेगा। कमाल करती हो, तुम्हें तो लड़ाई का बहाना चाहिए। अरे मैंने तुम्हारे छोटे बेटे की बुराई कब की, सिर्फ बेवकूफी तो कहा। तो क्या बेवकूफ बुराई नहीं होती? नहीं होती बुराई, मैं बेवकूफ हूँ, सारी दुनिया बेवकूफ है, तुम भी बेवकूफ हो। क्या कहा? मैं बेवकूफ हूँ? ओफो, फिर से झगड़ने लगे। मेरा बड़ा बेटा होशियार है, मेरा छोटा बेटा होशियार है, इस बात को लेकर झगड़ा मत करो। कितनी मार खाया आपसे? कहा बेटे, कौन जीतेगा कौन हारेगा कोर्ट के फैसले के बाद तो पता चल ही जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ना। ये डिफेंस लॉयर अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। योर ऑनर, उनके पास मुकदमा लड़ने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं होगा तो क्या मुंह लेकर अदालत में हाजिर होंगे? हाजिर है योर ऑनर, डिफेंस लॉयर हाजिर है। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं जज साहब, दरअसल बात यह है कि आज इतने बड़े वकील के साथ मुकाबला है ना, तो आशीर्वाद लेने के लिए दुर्गा माँ के मंदिर गया था। आप प्रसाद लेना चाहेंगे पीपी साहब? मंदिर का प्रसाद अदालत में नहीं लाया जाता योर ऑनर। गुस्सा की माफ योर ऑनर, ये अदालत भी तो इंसाफ का मंदिर है, और फिर भगवान का प्रसाद कहीं भी लाया जा सकता है। आप मुकदमे की पैरवी करना चाहेंगे या नहीं? जरूर करना चाहूंगा योर ऑनर। मैं आपके सामने न कोई गवाह पेश करूंगा न कोई सबूत पेश करूंगा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि क्या पीपी साहब ये जानते हैं कि शराब की दुकान कहां पर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जानता हूं, जहां पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च या स्कूल हो वहां पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, अब ये बताइए कि कानूनन इन सब जगहों से शराब की दुकान कम से कम कितने फासले पर होनी चाहिए? 100 मीटर के फासले पर होनी चाहिए। करेक्ट, ये पॉइंट नोट किया जाए ऑनर। अब आप ये बताइए कि जिस शराब की दुकान का ये मुकदमा चल रहा है वो शराब की दुकान मंदिर से कितने फासले पर है? फासला कैसा, वहां पर कोई मंदिर है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं पीपी साहब, उस शराब की दुकान से दुर्गा माँ का मंदिर 100 मीटर के फासले के अंदर है। ये झूठ है योर ऑनर, डिफेंस लॉयर धर्म और मंदिर का झूठा सहारा लेकर इस केस को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज सुबह खुद उस शराब की दुकान पर जाकर आया हूँ। योर ऑनर, लोग सुबह सुबह दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे पीपी साहब सुबह सुबह शराब खाने जाते हैं, शायद इसीलिए इन्हें नशे में वो मंदिर नजर नहीं आया। ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं योर ऑनर, मैं फिर से कहता हूँ कि वहां पर कोई मंदिर नहीं है। वहां पर मंदिर है पीपी साहब, मैं अभी अभी उसी मंदिर से पूजा करके आ रहा हूँ। ये देखिए, माथे पर लगा हुआ तिलक माता के मंदिर का कुमकुम है, और ये कान में लगा हुआ फूल माता के चरणों का प्रसाद है। ये गलत है, झूठ है, वहां पर कोई मंदिर नहीं है। वहां पर कोई मंदिर है या नहीं ये आप खुद उस जगह चलकर देख लीजिए, तो असली साफ नजर आ जाएगी और अदालत को फैसला करने में आसानी होगी। ठीक है, हम खुद वहां चलकर देखेंगे। आइए जज साहब, ये रही दारू की दुकान। जी हाँ। और ये रहा मंदिर। ये, अरे ये मंदिर कब बना? बहुत पहले से है, बहुत पहले से। अरे बहुत पहले से बना होता तो मुझे नजर नहीं आता था। अरे भाई, दारू का धंधा करने वालों को वैसे भी मंदिर नजर नहीं आता। शराब की दुकान से मंदिर तक की दूरी नापो। यस सर। आइए जज साहब, देवी के दर्शन करें। कर्पूर
सर, शराब की दुकान से मंदिर की दूरी 99.5 मीटर, यानी 100 मीटर के अंदर है, जो काबिल एतराज है। हुजूर, 0.5 मीटर की गलती भी हो सकती है, ये दूरी फिर से नापी जानी चाहिए। इलेक्शन जब आप 5 वोटों से जीते थे, तब तो आपने ये नहीं कहा था कि 5 वोटों की गलती हो सकती है, गिनती फिर से होनी चाहिए। अदालत मिस्टर भक्ति प्रसाद को हुक्म देती है कि 12 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी शराब की दुकान यहाँ से हटा लें। भाई क्या है? ये फूल देवी का प्रसाद है, शायद इसकी महिमा से आप अगला कैसे जीत जाएं। आइए। हेलो शारदा, हाउ आर यू? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, आज दिन क्या है? अरे भूल गई, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। चलो अब हम अपना खेल खेलते हैं। मेरे हाथ में 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के कई सिक्के हैं, लेकिन 50 पैसे का एक ही सिक्का है। तुम्हें आंख बंद करके एक सिक्का निकालना होगा। अगर 50 पैसे के अलावा कोई और सिक्का निकला तो जीत तुम्हारी, और अगर 50 पैसे का सिक्का निकला तो जीत मेरी, और जो जीतेगा उसकी मुराद पूरी करनी होगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। चलो आंख बंद करो और एक सिक्का निकालो। चलो। अरे वाह, 50 पैसे का सिक्का निकला। इसका मतलब जीत मेरी हुई। अब मैं जो चाहूंगा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। मुझे 50 पैसे चाहिए। कुछ नहीं, जरूर इसमें गड़बड़ है, जरा हाथ दिखाओ। देखो ये नहीं वो हाथ। अरे जब मैं जीत गया तो हाथ दिखाने से मतलब? दिखाओ ना। अरे पप्पी के बाद पहले हाथ दिखाओ। दिखाओ ना प्लीज। ये सब 50 पैसे के सिक्के हैं, ये धोखा है, चीटिंग है। अरे बाबा, प्यार और लड़ाई में सब जायज होता है, अब दे दो ना पप्पी। नहीं नहीं नहीं। मेरे सनम तेरे सर की कसम, मैं तेरा हो गया हूँ। मेरे सनम तेरे सर की कसम, मैं तेरा हो गया हूँ। हाँ तेरी मीठी मीठी प्यारी प्यारी काली काली अखियों में खो गया हूँ, अखियों में खो गया। प्यार की खुशियाँ
अखियों में खो गया। ए शारदा, कहाँ खो गई? चलो निकालो सिक्का, कम ऑन। सर, क्यों भाई, मुलाकात का समय खत्म हो गया? नहीं साहब, ये चिट्ठी दी है सुपरिटेंडेंट साहब ने आपके लिए। ओह, थैंक यू। लो शारदा, एक और खुशखबरी सुनो। जो रिहाई तुम्हें 6 महीने बाद मिलने वाली थी, वो अगले महीने ही मिल रही है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी? कैसी खुशी? अब तक मैं इस जेल के 4 दीवार में अपनी जिंदगी गुजार रही हूं। इन दीवारों के पास मेरे ऊपर ताने कसने के लिए जुबान नहीं है। इन सलाखों के पास मुझ पर उठाने के लिए उंगलियां नहीं है। मगर जब मैं रिहा होकर बाहर जाऊंगी तो दुनिया वालों के सहरीले तीर जैसे ताने सुनने पड़ेंगे। सैकड़ों नफरत भरी उंगलियों का सामना करना पड़ेगा। नहीं शारदा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी तरफ उठने वाली तमाम उंगलियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा। तुम्हें गुनहगार और मुजरिम कहने वालों की जबान काट लूंगा। तुम फिक्र नहीं करना, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। क्या माफ करना? अरे क्या माफ कर, पूरा पजामा क्यों नहीं पहना? पूरा पजामा पहनूंगा तो 2 मीटर कपड़ा खावा खावा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बचपन की चड्डी में अभी तक पहन के घूमता हूँ। तेरे जैसा कंजूस लालटेन जलाकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। को जलाते लालटेन, खामा का तेल खर्चा होएगा ना। चुप, तुम लाश पर लुटाए जाने वाले पैसों को छूने वालों से भी गए भी। अरे तुम पैसा बर्बाद करना जानते हो, पैसा बचाना तुम क्या जानो? तुम आए क्यों, आए क्यों, आए क्यों? इंस्पेक्टर साहब, अंदर अंदर, बदबूदार फकीर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, बोला ना हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या है? मेरा नाम तेलीराम है। जानता हूँ, आप कंजूसी के लिए बहुत मशहूर हैं। जरा नवाजी का शुक्रिया। कहिए बात क्या है? मेरी इकलौती बेटी है प्रिया, डाकू उसको उठा के ले गए और साथ में धमकी दी कि अगर मैंने 4 बजे तक 30,000 रुपए बुरी पहाड़ी पर नहीं पहुंचा है तो उसको जान से मार डालेंगे। देखिए मैं ना उसकी फोटो लाया हूँ, ये देखिए उसकी फोटो। दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के मैं ये 30,000 रुपए लेकर आया हूँ। अगर जरूरत पड़े तो उन डाकुओं को दूर से 30,000 रुपए दिखा देना, मत देना मत, हाँ देना मत। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी आपके घर से ही सलामत पहुंच जाएगी। बाप रे, कितनी भयानक जगह है। सर, जब जगह इतनी भयानक है तो डाकू कितने खतरनाक होंगे। शट अप, तुम ये रुपए लेकर उस तरफ जाओ और वहां से चिल्लाकर कहना कि तुम रुपए ले आए हो, शायद डाकू तुम्हारी आवाज सुनकर बाहर निकले। तब तो वो ठाए से मुझे गोली मार देंगे। सर, अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो ठाए से मैं गोली मार दूंगा। समझ गया सर, समझ गया, आप मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। ठीक है, शायद डाकू की गोली से मरने के बाद मेरा प्रमोशन हो जाए। हाँ, अब तुम उधर से जाओ। जी जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, 30,000 है पूरे, मगर आप दिखते नहीं है, कहाँ है? अपने सीधे हाथ की तरफ चले आओ। आया, सीधा आया। बड़े काटे, रुक जाओ। रुक गया, अब क्या करूं? तुम्हारे पास जो गंजा पेड़ है रुपया उस पर रख दो। गंजा पेड़? शूट मत करना, शूट मत करना, मैं डाकू नहीं हूँ। देखो, मैं प्रिया हूँ, तेलीराम की बेटी। तुम? तुमने ये नाटक क्यों किया? ये नाटक नहीं, जरूरत है। ये रुपया मुझे मेरी सहेली सुशीला की माँ के ऑपरेशन के लिए चाहिए था। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बचेंगी। अब और नाटक करने की जरूरत नहीं, चलो पुलिस स्टेशन। सुनिए ना मेरी बात, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद हॉस्पिटल चलिए, आपको सच्चाई खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगी। चलिए ना प्लीज, वक्त बहुत कम है, चलिए ना। नहीं सुशीला, नहीं, रोते नहीं,
माँ की हालत और सीरियस हो गई है। डॉक्टर ने कहा है अगर शाम तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल है। घबरा मत सुशीला, ये लो 30,000 रुपए हैं, जाओ जल्दी से डॉक्टर साहब को दे दो और कह दो उनसे कि ऑपरेशन का बंदोबस्त करें। प्रिया जाओ ना। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आ गया। सुशीला के माँ के ऑपरेशन के लिए मैंने डैडी से रुपये मांगे थे, उन्होंने कहा था कि मैं दे दूंगा लेकिन आखिरी वक्त पर इनकार कर दिया, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। अगर आप समझते हैं कि मैंने जुर्म किया है तो बेशक जेल में डाल दीजिए मुझे। ऐसा काम करने के बदले में अगर सबको जेल की सजा दी जाए तो सारे देवी देवता जेल में नजर आएंगे। सेठ जी इधर इधर। क्या? सेठ जी 4 दिनों से गलियों के पोस्टर फाड़ फाड़ कर लाता रहा और उन्हें जला जला कर खाना बनाता रहा हूं, लेकिन अब तो गली के पोस्टर भी खत्म हो गए। अब आप ही बताइए चूल्हे में क्या डालूं? मुझे डाल दे। लेकिन आप तो जलने में भी कंजूसी करेंगे। क्या बोला? साला सेठ जी बोलकर हमेशा अपने पेट जी की बातें करता है, बोल गया कि मेरी बेटी लापता है। ऐसी हालत में खाना तो एक तरफ, पीने के बारे में भी कोई नहीं सोच सकता। जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती तब तक घर में न चूल्हा जलेगा, न खाना पकेगा, न खाने के बारे में कोई सोचेगा। भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, मर गए। ये चमेली की खुशबू कहाँ से आ रही है? भैया मैंने अपने सर में चमेली का तेल लगाया है। शचुंदर के सर में चमेली का तेल? ए चमेली, तेरे को मना किया था ना घर में मत आना, फिर काहे के लिए आया तू? पैसे लेने आया। मैं भिखारी को भीख नहीं देता तो तेरी क्या भी साथ है? भीख कौन मांग रहा है, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। अच्छा, पिताजी की वसीयत नहीं पड़ी थी? पढ़ना किसको आता है, खर्चे के डर से बाप ने स्कूल भेजा ही नहीं, भूल गया क्या? स्कूल के सामने से तो गुजरा होगा फिर भी नहीं सुधरा, सारी जिंदगी घर से पैसे चुरा चुरा के खाता रहा। चोटा कहीं का? ए, पैगा चोटा बे, खर्चे को पैसा नहीं मिलेगा तो चोरी तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए पिताजी ने तुझे सारी जायदाद से अलग कर दिया और सारी जायदाद मेरे नाम लिख दी और तुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। वो भी तेरी फांदेबाजी थी, पिताजी को भी तूने भड़काया था। क्या बुरी बात की दरगाह? हाँ भड़काया मैंने, वरना तू कब का घर बेच के खा गया होता। तुझे भाई के तो मुझे घिन आती है और तुम्हारे जैसे कंजूस और कमीने आदमी को अपना भाई कहते हुए मुझे उल्टी आती है। अरे पैसा क्या खाओगे या मरने के बाद साथ ले जाओगे? लखपतियों को छीटड़े पहनते हो, नहाते तक नहीं, बदन से बदबू आ रही है, कीड़े पड़े होंगे तुम्हारे बदन में। ए चमेली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में खड़ा होकर मुझको गालियां दे रहा है? सीधे बाहर जाओ ना, टांगे तोड़ के सर पर रख दूंगा और पंजाब मेल के नीचे बांध दूंगा। चल अच्छा जाता हूँ, तू भी क्या याद करेगा, बल्कि बाद में याद करेगा। साला लुच्चा लफंगा। बिटिया, बेटी, डैडी। अरे मैं तेरे देवर बराबर है ना, हाथ भर सलामत है ना, कपड़े तो नहीं फटे ना? हाँ तो जहाँ मेरा नहीं फटे। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बेटी को सही सलामत देकर आ गए। मेरे पैसे सही है डैडी? वो गुंडे थे ना, इतने भयानक थे, इतनी लंबी लंबी तलवार और बंदूक। वो बराबर है, लेकिन मेरे पैसे। वो क्या है कि डैडी, इन्होंने ना उन गुंडों को यूं मारा, यूं मारा, यूं मारा। अरे पुलिस वालों को तो काम ही मारने का, मुझे क्या कुछ सुना रही है? मेरे पैसे। तेलीराम जी, बात यह है कि जब मैं आपकी बेटी को बचा रहा था तो गुंडों के साथ लड़ते लड़ते मेरे हाथ से बैग गिर गया और वो गुंडे बैग उठाकर भाग गए। अरे अरे तेलीराम जी, आप मत कीजिए, जरा सा पैसों का झटका लगा है, इसका इलाज मेरे पास है। चीची, 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 खुशबू आई, खुशबू आई, खुशबू आई, 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 आई। अरे ये रुपया मेरा है। तेरे बाप के रुपए क्या? मेरे रुपए के? तेलीराम जी, आपकी बेटी घर से ही सलामत आ गई है, आपको तो खुश होना चाहिए। 30,000 रुपए गए तो क्या हुआ? अरे क्या बात करते हो, लड़की आ गई तो चलेगा, मैं 30,000 रुपए चलेगा? अगर 30,000 रुपए देने होते तो मैं खुद ही जाके लड़की वापस लेके नहीं आ जाता। पुलिस वालों को फर्ज भी निभाना चाहिए, लड़की भी लाना चाहिए, पैसे भी लाना चाहिए। मेरे तुम्हारे पास 30,000 रुपए चढ़ गए हैं, पुलिस वाले उसके लिए ब्याज नहीं लूंगा, मगर एक महीने लौटा देना। तुम उधर झाड़ियों की तरफ जाओ, जरूर कोई जोड़ा रोमांस कर रहा होगा, डंडा दिखाकर पैसे वसूल करके लाओ।
खाना कौन है भाई? आठी करो, मुठी करो। सर आप इंस्पेक्टर चोर घे, चलो बाकी खाने का हिसाब कमीशन साहब को देना। चलो आप, नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब, ये सब कुछ ले जाइए मगर मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं आज तो मैं तुमको डिसमिस करा के रहूंगा। चलो नहीं नहीं डिसमिस नहीं, डिसमिस नहीं। अच्छा साहब एक काम करिए, ये पूरे महीने की तनख्वाह भी रख लीजिए मगर मुझे माफ कर दीजिए। खाली एक महीने की? अगले महीने की भी दे दूंगा। ओके ना? हां दे दूंगा। अच्छा जो दोबारा नहीं करना। अच्छा जो अजीब चोर के। क्या बोला? नहीं नहीं थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बाप रे। ये तो डुप्लीकेट इंस्पेक्टर है, जरूर इसने किसी को चीट किया होगा। 420 बेईमान पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। चलो थाने। एक मिनट साहब, एक मिनट। क्या? एक तोहफा देता हूँ। अरे 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 मेरा चश्मा, अरे मेरा चश्मा। अरे अबे ओहो, अरे अबे अबे मुंह से निकाल। क्या हुआ क्या हुआ? सर वो आदमी डुप्लीकेट इंस्पेक्टर है, उसने जरूर किसी को उल्लू बनाया है। हेलो इंस्पेक्टर सुनील हियर। नेशनल पार्क में कुछ गुंडों ने एक लड़की को बेधड़क से खून कर दिया है। क्या? हाँ सर। आप कौन बोल रही हैं? मैं रीटा बोल रही हूँ। आप जल्दी आइए साहब। मैं अभी आया। ये क्या नाटक है? ये नाटक नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए बुलाया है। कैसी रिपोर्ट? तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मेरा दिल धड़के तेरे सीने में, तब आए मजा, हाय हाय रे मजा, तब आए मजा कुछ जीने में। जाती है जान, क्या दिन में जाए हाल हुआ, क्या होगा साल महीने में, मेरा दिल धड़के तेरे सीने में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में।
अब आए मजा कच देने में। हेलो प्रिया, मैं सुशीला बोल रही हूँ। हाय सुशीला, माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है, उन्हें आज शाम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। वेरी गुड। अच्छा सुन, तू ऑफिस में ही ठहरना, मैं टैक्सी लेके आऊंगी, फिर हम दोनों माजी को घर ले जाएंगे। ओके बाय। जी साहब। मैम साहब, साहब ने ये चिट्ठियां अर्जेंट टाइप करने को दी है। इतनी सारी? जी। अभी? जी हाँ, आज ही पोस्ट करनी है। हाँ। ये खूबसूरत उंगलियां सिर्फ टाइप करने के लिए नहीं है। मिस्टर तेजा, बिहेव योरसेल्फ। तेजा नहीं, राजा कहो मेरी जान, राजा। जिंदगी भर रानी बना के रखूंगा। अरे ऐश करोगी ऐश। तुम जरा रुको, मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? ऑफिस। ऑफिस तो बंद हो गया। बंद हो गया? सुशीला है? सुशीला तो बहुत देर हुई चली गई। चली गई? कमाल लड़की। अच्छा क्या हो गया सुशीला? तेजा ने मेरी इज्जत लूटनी चाहे। अरे तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? बिल्कुल मत डरो, तुम्हारा बाप मेयर है। मेयर तुम्हें किस बात का केयर? तुम्हें तो शेर बन के जीना चाहिए। पर डॉक्टर अंकल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटे, मैंने ऐसा सर्टिफिकेट तैयार किया है कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक तुम एक महीने से इस हॉस्पिटल में हो और तुम्हें पैरालिसिस का अटैक हो गया था। क्या? हाँ, और तुम हिलने डुलने के बिल्कुल लायक नहीं थे। जब सुशीला का मर्डर हुआ उस वक्त तुम बेहोश पड़े हुए थे, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुमने उसका खून किया। आज तुम इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जा रहे हो और यह है तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट। मगर इस सर्टिफिकेट को पुलिस मानेगी? अरे पुलिस तो क्या, इसे तो कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। यह सिविल सर्जन डॉक्टर मल्होत्रा का दिया हुआ सर्टिफिकेट है। ये लो अपनी आजादी का परवाना। ये क्या कर रहे हो तुम? परवाने की जिंदगी में जलना ही लिखा होता। बास्टर्ड! क्यों मार रहे हो? हट जाओ। कानून के सिर्फ हाथ ही लंबे नहीं होते, पांव भी बहुत लंबे होते हैं। चल उठ। मेरे बेटे को इंस्पेक्टर सुनील ने कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। हाँ साहब। अरे साहब आप हुक्म तो दो, अपन इंस्पेक्टर सुनील को अब भी खत्म कर देता है। वांदानी इसके बाद फिर जेल चला जाएगा। नहीं, जब शहद चटाने से काम हो सकता है तो जहर देने की कोई जरूरत नहीं। नमस्ते वकील साहब। ओ मेयर साहब, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आज रास्ता भूलकर यहाँ कैसे आ गए? रास्ता भूलकर नहीं वकील साहब, रास्ता ढूंढने के लिए आपके दर्शन करने आया। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। फंटास्टिक, आप तो सब कुछ जानते हैं वकील साहब। दरअसल बात यह है कि मेरा लड़का कद में जरूर लंबा हो गया लेकिन अकल में बहुत छोटा है। अब देखिए ना, उस पर एक लड़की के बलात्कार और खून का झूठा इल्जाम आपके भाई ने लगा दिया।
Is it? जी हाँ, हम चाहते हैं कि सच्चाई को कायम रखने के लिए आप हमारी तरफ से इस केस की पैरवी कीजिए और मेरे बेटे को बाइज्जत रिहा करवा दीजिए। इसके बदले में मैं आपका दामन मुंह मांगी खुशियों से बटूंगा। ये देखिए मेयर साहब, एक लड़की की इज्जत और जान की कीमत सिर्फ ये कागजी नोट है। फंटास्टिक, इंस्पेक्टर साहब आप कहेंगे तो आपके लिए भी एक बैग भेज दूंगा। अच्छा, अपने बेटे के केस को दबाने के लिए? जैसा आप समझे, बस मेरे बेटे को निर्दोष साबित करके उसे रिहा करवा दीजिए। मेयर साहब, अगर आप इसी वक्त चुपचाप अपनी बाप की दौलत को उठाकर यहाँ से बाहर नहीं गए तो मैं आपके हाथों में हथकड़ी पहनाकर बीच बाजार में से घसीटता हुआ ले जाकर उसी लॉकअप में बंद कर दूंगा जहां पर आपका लाडला बेटा कैद है। इंस्पेक्टर सुनील, ये मत भूलो कि मैं 30 लाख लोगों का प्रतिनिधि हूँ। तुम भी ये मत भूलो कि उन 30 लाख लोगों का मैं रक्षक हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें मिटा सकता हूँ। मर गए मिटाने वाले किशन चंद, मेरे दोनों बेटे शेर और चीता हैं, इन्हें दुश्मनों से मुकाबला करना चितरा आता है। अरे दीनानाथ जी, जवानी का खून तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अभी इनकी रगों में भी मेरा ही खून दौड़ रहा है, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटों को खरीद दी? ये घर जहाँ तुम खड़े हो, नीति और नियम इसकी बुनियाद है। हर इस घर की छत है और इन सबसे हमने बनाया इस मंदिर को, और ऐसे मंदिर में तुम जैसे शैतान का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। चले जाओ यहाँ से। आउट। अच्छी बात है, तुम लोग आग से खेल रहे हो, अब यही आग एक दिन तुम्हारे इस मंदिर जैसे घर को जलाकर शमशान बना देगी। जाइए जाइए। सारी आग क्या कर रहे हैं? थोड़ी तकलीफ झेल ले, उसको पकड़ना है कि नहीं? यस सर। साला हवलदार वाघ मारे को चूना लगा गया, आज मैं उस 420 को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। विजय सिंह, एक काम कर, तू उस तरफ जा, मैं इधर जाता हूँ। ओके सर। ये तो पहन। ओह आई एम सॉरी सर। आर दे। साला कैसा हाथी की तरह झूमता हुआ आ रहा है। हे 408। यस सर। देख 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 देख, आजा आजा। क्या लेगी? 500 रुपए लूंगी। 5 दूंगा। खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, तू 100 ले बस। अंदर डाल दिया, ये तो मेरे काम के बकरे हैं। वो देख रहे हैं क्या? सर कुछ कुछ कर देख रहा है। तू एक काम कर, तू मुझे किस कर। सर मैं आपको कैसे किस कर सकता हूँ, आप मेरे सीनियर हैं। अबे किस करने में सीनियरिटी जूनियरिटी क्या होती है, करता है कि नहीं? नहीं करेगा। तेरे तो साले खड़े चालू हो गए इनकी तो। अभी किधर गया? सर लगता है कहीं छुप गया। अरे तो पीछे करो जल्दी कर। चलो अबे मोटे जल्दी कर। कहाँ गया साला? अबे इंस्पेक्टर बन के आ रहा। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे भागता किधर है? ठहर भागता है। चल मुंह दिखा जरा, मुंह दिखा। शर्म आती है? चलो पुलिस थाने चलो। नहीं साहब, आपको भी जो चाहिए ले लीजिए ना। तो बाहर निकल गया तेरे पास? अभी निकालती हूँ। आ गया ना चपेट में 420। हवलदार वाघ मारे। क्या मारे? पॉकेट मारे। नहीं, वाघ मारे। क्या इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के धोखा देता? कहाँ से लाए वर्दी? ये मैं वो रामलीला में काम करता था ना, वहाँ से। रामलीला में इंस्पेक्टर की वर्दी कहाँ से आई? हाँ, मैं अभी पूछ के आता हूँ। चल थाने ऐसी धुलाई करूंगा। नहीं, मैं धुलाई। लॉन्ड्री वाले जब देखेंगे तो नमूने के लिए हैंगर पे लगेंगे। माफ करना हवलदार साहब, आपसे गलती हो गई। आपसे नहीं, मुझसे। आपसे ना? नहीं नहीं, तुमसे। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई। असल मुझे कहीं और चोरी करना चाहिए था तो मैंने चोर के घर में चोरी कर लिया। अरे क्या कहा, मैं चोर हूँ? हट, अपनी झटकेदार हाथी बांध कर। अगर गुरु आपने बिल्कुल ठीक कहा, चोर। अबे चलो हट। के हवलदार को छोड़ देता। देखा, तूने भी बदतमीजी की तो तेरे मुंह में ताले से घुसेर दूंगा। ये देखा जरा, वरना 408 फाटक बंद कर। अबे मुझे नहीं, फाटक बंद। अबे अबे अबे, लेटर है लेटर है लेटर है। अपन दुनिया को ठगेंगे। कैसे भागे यार? तू मरना। अबे तू मरना यार। अरे मरेगा तो कैसे भागे यार? अबे नाटक कर रहे हैं मरने का, तू मर, मैं तेरे को लेके भागता हूँ। चल मर, मर गया। चल जबान बाहर निकल। अरे मर्डर, ए मर्डर,
ये इलाका में खून, ये हवलदार ने, ये हवलदार ने मर्डर किया, ये इलाका में मर्डर, लॉकअप में मर्डर, ये हवलदार ने मर्डर किया, ये खून हो गया, ये देखो क्या 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 किसका खून किसने किया? अरे तुमने किया और किसने किया? ये देखो ये बेचारे को ऐसी गलत जगह पे लात मारी, बेचारा फड़फड़ा के मर गया। अरे ये तो वाकई मर गया। ये मरा नहीं है, तुमने मारा है इसको। नहीं नहीं नहीं। अरे हाँ क्या, नहीं नहीं, मैंने अपनी आंख से देखा, तुमने इसको कस कस के मारा, सारा ये फड़फड़ा के मर गया। अभी ये समस्या लेके मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा, पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, एक हवलदार ने एक वानियत का गला घोड़े। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, किसी को कुछ बोलना नहीं। पहली बार मुझसे लॉकअप में मर्डर हुआ है। पहले किधर किया? कहीं नहीं किया, पहली बार हुआ है। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, मुझे बचा लो। जब तक ये लाश इधर पड़ी ली है तेरे कोई भी नहीं बचा सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? ये लाश को इधर से गायब करना पड़ेगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको बोरी में डालकर ले जा। अबे शाने, क्या छेंडी लगाता क्या, बोरी में डाल के लेके जाओ, ऐसा नहीं चलने वाला। ये तेरे जितने भी हवलदार लोग है ना, ये लोग को चाय पीने को फुटा दे, मैं इसको ऑटो रिक्शा में लेके फुट जाता हूँ। अच्छा ठीक है, इसको जला दोगे ना? नहीं नहीं, काय को जलाऊंगा मैं इसको, सेंट्रल बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखूंगा ताला लगा के। अरे यार क्यों मजाक करता है यार, चल निकल। क्या कर रहे हो तुम ये? अरे तेरा क्रियाक्रम नहीं करना पड़ेगा क्या? मेरा हाँ, उसका मतलब तेरे को जो बोला वो कर रही, तो मैं फूट जाऊंगा अभी। ठीक है, अपना कातड़िया बहुत गर्म है, चल अभी फूट जा, चल चल जाने मन, उठ बे, अबे रसक ले, उठ निकलना जल्दी। आज मैं बहुत खुश हूं। अरे ये क्या, ये मायूस चेहरा क्यों बनाया हुआ? नहीं तो ये हुई ना बात, अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रावण की कैद से इतने सालों की तकलीफ सहने के बाद सीता राम के पास आई है। लेकिन इस सीता की अभी तक अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई अग्नि परीक्षा नहीं होगी, मैं जो तुम्हारे साथ, चलो आओ चले। कहा? अरे आओ तो सही, बताता हूँ, चलो। छोटे कहाँ तुम लोग? अभी बताती हूँ। दादाजी दादाजी, छोटे छोटे, दादी माँ तुम तो मेरी पकड़ में आ जाओ। छोटे तुम क्यों जा रही हो सुना बेबी? अरे कहाँ तुम लोग? छोटे मैं तेरे पीछे हूँ दादी माँ। चोर पकड़ा गया ये। अरे ये नई लड़की कौन है? ज्योति ऐसा नहीं। शारदा ये है मेरी माँ, मेरे पिताजी। नमस्ते। जीती रहो। और ये है मेरा छोटा भाई सुनील। नमस्ते। नमस्ते। और ये है। मैं बताती हूँ, मेरा नाम ज्योति है, गांधी स्कूल में पढ़ती हूँ, इस घर की बड़ी हूँ, इस घर का सारा कारोबार मैं चलाती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। पिताजी कुछ दिन पहले मैंने शारदा के पिताजी का कोर्ट में केस लड़ा था, वो उनके मकान और जायदाद का केस था, मेरी गलती की वजह से वो केस हार गए, उस हार को वो बर्दाश्त न कर सके और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ओह बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए अब न कोई सहारा बचा है, न रहने की जगह है, अगर ये इस घर में रह जाए आप लोगों को एतराज तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, चलिए आओ बेटी। तुमने अपने माता पिता से मेरे लिए झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। बुरा भी तो नहीं किया शारदा, अगर उन्हें यह पता चल जाता कि तुम जेल से सजा भुगत कर आई हो तो शायद उनकी नजरों में तुम्हारे लिए वो इज्जत, वो प्यार, वो हमदर्दी नहीं होती जो अब है। लेकिन छोट की उम्र ज्यादा नहीं होती रवि, जिस दिन उन्हें मेरी असलियत का पता चलेगा उस दिन क्या होगा? अरे जब वो दिन आएगा तब देख लेंगे, उसके लिए अभी से परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम जेल में काफी परेशानी उठा चुकी हो, यहां भी अपनी जान को क्यों हलकान कर रही हो? देखो देखो देखो, अपने दिमाग से सब परेशानियों को झटक दो और चैन की जिंदगी गुजारो। चलो अब मुस्कुरा दो। अरे मुस्कुराओ भी, कमान कमान कमान, गिव मी अ गुड स्माइल। अब मैं समझ गई।
मेरा शक सच निकला। कैसा शक? बताती हूँ हटो। ए नहीं लड़की, तू बड़े के इतने पास क्यों खड़ी थी? मामला क्या है? वो सवाल मैं पूछ रही हूँ, तुम उनकी तरफ क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो। बात यह है कि बस सफाई मत पेश करो। बड़े, तुम मुझे कहानी सुनाए बगैर यहाँ कैसे चले आए? वो हुआ ये था कि कोई बात नहीं माफ किया। थैंक यू। आज ये नई लड़की मुझे कहानी सुनाएगी। क्यों, सुनाओगी ना? हाँ सुनाऊंगी, आओ। तुम जा, जा जा। अच्छा ओए जालंधर। सुनील, क्या बात है? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, आओ चलो ना। हाँ क्या बात है? सुनील, डैडी हम दोनों की शादी आज ही पक्की कर देना चाहते हैं। तुम अभी मेरे साथ घर चलो। अभी तो मेरा कोर्ट जाना बहुत जरूरी है। मेरी बात तो सुनो, डैडी ने कहा है कि आज 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बहुत ही शुभ घड़ी है, जो 7 साल में सिर्फ एक बार आती है। वो तुमसे बात करके इसी शुभ घड़ी में हम दोनों की शादी का मुहूर्त निकाल देना चाहते हैं। प्लीज चलो ना मेरे साथ। वो तो ठीक है, मगर मेरा कोर्ट जाना बहुत जरूरी है। अरे मेरे घर आते हुए कोर्ट चले जाना, 2 मिनट के लिए डैडी से तो मिल लो। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, तुम तो डैडी का मूड जानते हो, शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के वो हमारी शादी से इनकार कर दे। प्लीज सुनील चलो ना। ठीक है। तुम बहन के साथ कोर्ट जाओ, मैं वहां डायरेक्ट पहुंचता हूँ। होशियार है ना? ओके सर, चलो। आइए आइए दामा जी। नमस्कार। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं जानता था कि मेरी बेटी पृथ्वीराज चौहान की तरह आपको भरी सभा से उठा के ले आएगी, क्योंकि आजकल लड़कियां ही तो गोल्ड मेडल आती है, लड़कों को तो लकड़े का मेडल भी नहीं मिलता है। अरे आप जल्दी से लेंस लगाकर पंचांग तो देखिए। जयमान, इनकी राशि तो बताइए आप। राशि मेरी बेटी की जो राशि है वो है कन्या, और इनकी जो राशि है वो है सिंह। आपको मेरी राशि कैसे मालूम पड़ गई? राशि? अरे हमें तो सारे पुलिस ऑफिसरों की जन्म कुंडलियां तक मालूम है। वाह, इन दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, अरे वाह, घंटी भी बज गई, मतलब ये भी अच्छे लक्षण है। शुभ है, शुभ है, शुभ है। हेलो, मैं तेलीराम बोल रहा हूँ जी। आ गया वो इंस्पेक्टर? हाँ बिल्कुल। काम हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो। पंडित जी, जी पंचांग एक बार फिर से देखिए तो। इन दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि सिंह राशि में राहु घुस गया है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था। हाँ तो तब तक राहु बीच में नहीं घुसा था ना, अभी घुस गया तो गड़बड़ हो गई। मैं चलता हूँ। नमस्ते। अच्छा जी, इंस्पेक्टर साहब आपका फोन है। मेरा? आपका है। सुन तो लीजिए कि राहु किस घर में घुसा है। हेलो इंस्पेक्टर सुनील, तेजा को गुंडे किडनैप करके ले गए। क्या? फंटास्टिक। इंस्पेक्टर साहब, ये शुभ कार्य शुभ घड़ी में हुआ है, 9:15 और 9:30 के बीच में। हाँ कमीनो, प्रिया का सहारा लेकर तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से बच नहीं सकता। अरे रुक जाओ इंस्पेक्टर, रुक जाओ, तुम तो वाकई बड़े बेवकूफ आदमी हो। हा? अरे मेरा बेटा अभी तक सिंगापुर जाने वाले जहाज पर बैठ भी चुका होगा, और 5 मिनट के अंदर अंदर वो जहाज यहाँ से उड़ जाएगा। मेरा बेटा तेजा ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। चक्कर आ गई ना, होता है जब राहु घुस जाता है तो राहें सुझाई नहीं देती हैं। हेलो, कनेक्ट मी टू द एयरपोर्ट मैनेजर प्लीज। एयरपोर्ट मैनेजर स्पीकिंग। देखिए, जो जहाज सिंगापुर जाने वाला है उसमें बॉम्ब रखा है। क्या? यस। आप कौन बोल रहे हैं? मैं इस शहर का मेयर बोल रहा हूँ। ओके अकलमंदो। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ रोको उसे, एयरपोर्ट तक पहुंचने पाए, जाओ। एयर इंडिया को ये सूचित करते हुए खेद है
कि उनकी उड़ान नंबर AI-105 अब सिंगापुर 2 घंटे देर से जाएगी। नंबर AI-105 अब सिंगापुर जाने के लिए तैयार है। यात्रियों से निवेदन है कि वो इमिग्रेशन और कस्टम कक्ष की ओर पधारें। पुलिस का हाथ मेयर की अकल से ज्यादा तेज चलता है। चल सारे गवाहों और सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम तेजा ने न सिर्फ सुशीला की इज्जत लूटनी चाहिए बल्कि ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसके पास सिवाय खुदकुशी के और कोई चारा बाकी नहीं रहा। लिहाजा अदालत मुल्जिम तेजा को सुशीला की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उम्र कैद बामुशक्कत की सजा देती है। इसके साथ ये भी साबित हो चुका है कि किशन चंद ने मेयर जैसे जिम्मेदार ओहदे पर रहने के बावजूद एक मुजरिम को बचाने की कोशिश की, अपने ओहदे और पावर का गलत इस्तेमाल किया। कानून की रखवाली करना जिसका फर्ज हो, अगर वही कानून को तोड़े तो उसे ओहदे पर बने रहने का कोई हक नहीं। लिहाजा अदालत मिस्टर किशन चंद को मेयर के ओहदे से हटाने का हुक्म देती है। भगवत गीता के श्लोक आते हैं तो क्या तुम अकेली पंडिताइन हो क्यों जी शारदा अगर हमारे घर की बहू बन जाए तो कैसा रहेगा? ख्याल तो बुरा नहीं है। ओहो अब समझा, तुम दिन भर पैर पसार के बैठी रहो, वो तुम्हारा सारा काम करती रहे और तुम्हारी सेवा करती रहे, तुम ऐसी बहू चाहती हो ना? नहीं नहीं ये बात नहीं है, वो तो साक्षात लक्ष्मी है, हमारे घर के लिए बिल्कुल लायक है, इसीलिए मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। ये बात तो है। सुनो, सुनो, सुनो। अरे क्या कर रहे तू? नई लड़की
सब लोग जल्दी से हॉल में हाजिर हो। क्या बात है नानी अम्मा? आप बैठो बैठो बैठो। अरे ज्योति, शोर क्यों मचा रही हो? आप भी बैठिए। अरे लो भाई बैठ गए। सब लोग आ गए। बेटी तूने हंगामा क्यों मचाना शुरू कर दिया? रुको दादाजी, हमें अपने परिवार की एक जरूरी समस्या हल करनी है। तू हल करेगी? हाँ, इसीलिए तो सबको बुलाया है। देखो बड़े, नई लड़की की शादी की उम्र है और तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई, इसलिए अब हम घर के बड़े लोग तुम दोनों की शादी करवा कर अपनी अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी लेना चाहते हैं। ज्योति, ये कैसी बातें कर रही है? जो कुछ कह रही है सच कह रही है बेटी। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इसलिए हमारे मन का भेद जानकर सबके सामने सच बात कह दी। सुनील बेटे, तुम्हारी क्या राय है? पिताजी, इतनी नेक और सुशील लड़की अगर मेरी भाभी बन जाए तो इससे ज्यादा मेरे लिए और खुशी की क्या बात हो सकती है। बेटा रवि, तुम्हारी क्या राय है? देखो माँ, मैं ये सोचकर शारदा को यहाँ लाया था कि इसे इस घर में आसरा मिले, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि ये घर इसकी ससुराल बन जाए। अगर इसे मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। बोलो शारदा। ये शायद मेरे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है जो मुझे ऐसा ससुराल मिल रहा है। बस अब तो निमंत्रण पत्र लिखने की देरी है। स्वस्त श्री चंद्रभान प्रभो नाम सम्वत्सरे, महामास में अश्विनी नक्षत्र के शुभ लगन में बड़े की शादी नई लड़की से रचाकर उसे इस घर की बहू बनाना है, यही बड़ों का निर्णय है। अरे वाह, ये लड़की तो तूफान है। क्या वो वकील उस लड़की से शादी कर रहा? हाँ साहब, और यही मौका है उन लोगों पर वार करने का, और उनका हथियार है जानकी दास। जानकी दास? वो जानकी दास? हाँ साहब, वही जानकी दास। लेकिन मुश्किल ये है कि आजकल वो जेल में है। दुश्मन पर जब मुझे हमला करना होता है तब मैं सूरज को पश्चिम से भी उगा देता हूं। आइए। मुबारक हो दीनानाथ जी, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें शादी पर बुलाया। भाई हम तो समझते थे कि शायद आप हमें शादी पर बुलाएंगे ही नहीं। किशन चंद जी, हमारे जो मतभेद हैं वो तो घर के बाहर हैं, शादी के साथ उसका क्या लेना देना। हमने तो सोचा था आप खुद ही नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए आइए, बड़ी मेहरबानी। हाँ आइए आइए। ओम ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ये शादी, नहीं हो सकती ये शादी। चुप हो जाओ। तुम कौन होते हो ये शादी रोकने वाले? मैं इसका पति हूँ। अगर इस तरह की बकवास की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लो उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, मेरे जेल जाते ही मेरी बीवी को फंसा लिया और अखेल बनाकर अपने घर में रख लिया। हरामजादे, मैं हरामजादा वो होता है जो दूसरे की बीवी को फंसा कर शादी करना चाहे। हरामजादा। दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सुनील, जोश में बताओ। देख रहे आप ये अन्याय, ये लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये भले मुझे जान से मार दे लेकिन ये कुंवारी नहीं विधवाई कहलाएगी, क्योंकि मैं इसका पति हूँ। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरा इंसाफ कीजिए, मेरी पत्नी मुझे वापस दिलाइए। बहुत देर से तुम्हारी अनाप शनाप सुन रहा हूँ, यहाँ हंगामा खड़ा करने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? किसने तुम्हें इस मंडप में आने का अधिकार दिया? उस मंगल सूत्र ने मुझे अधिकार दिया जो मैंने इसे पहनाया। उस अग्नि ने मुझे अधिकार दिया जिसको साक्षी मानकर मैंने इसके साथ फेरे लगाए। उस सिंदूर ने मुझे अधिकार दिया तो मैंने इसकी मांग में भरा। लेकिन पूछे इससे इस बात का किसने अधिकार दिया जब मेरे हाथ पांव में हथकड़ी और बेड़िया लगी हो, ये अपने हाथ पांव में मेहंदी रचा ले? पूछे इससे, ये अधिकार इसे किसने दिया? पूछिए। इस बात का क्या सबूत है कि जो तुम बकवास कर रहे हो वो सच है?
सबूत, सबूत है, यह तस्वीर है, देखिए, आप भी देखिए, देखिए, आप भी देखिए, 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 सब लोग देखिए। बेटी, ये सब क्या है? शारदा, देखा, देखा, और इन तस्वीरों से भी बड़ा सबूत है उसका यहां से भाग जाना। और यह है वो जो कोठे की बूढ़ी तवायफों की तरह भगाई हुई लड़कियों को पढ़ा देते हैं। खबर, तुम जानते हो तुम किसकी तरफ उंगली उठा रहे? अरे इनकी दम की वजह से तो इस शहर का कानून और इंसाफ जिंदा है। नाना जी, आप खामोश क्यों हैं? क्या क्यों नहीं देते कि ये सब झूठ है, बकवास है? समझा, तुम्हारी खामोशी का मतलब है कि यहाँ जो भी घिनावना खेल होने वाला था उसमें तुम भी शामिल थे। जी 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 जी, ये तो डूब कर मरने वाली बात है। कहा तो फखर से कहा करते थे कि मेरे बेटे कानून की दो आंखें। हाँ, अब पता चला कि ये वो आंखें हैं जो दूसरों की बहू बेटियों पर गंदी नजर डालती है। शराब, जबान को लगाम दो वरना तुम मुझे तो चुप कर दोगे, लेकिन कल जब सारा शहर तुम्हारे बाप के नाम पर थूकेगा तब क्या करोगे? किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? सब यही कहेंगे कि तुम्हारा घर कानून और इंसाफ का मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा वैश्यालय है जहाँ कानून और इंसाफ का बलात्कार किया जाता है। बस करो किशन चंद, और नमक न चढ़को। नहीं नाना जी, मुझे पूरा विश्वास है आप जानबूझकर कोई गलत काम नहीं कर सकते। बोलिए ना कुछ। पिताजी, क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? पिताजी, क्या हुआ? ओ भाजी वाले, ये प्याज क्या भाव दिए? 3 रुपये। अबे देख के बोल, आलू का क्या भाव है? 3 रुपये। अबे देख के बोल, बैंगन का क्या भाव है? क्या करता? माफ कीजिए साहब, आपको देख के बोलने की जरूरत क्या है साहब? आपको जो चाहिए ले जाइए, सभी आपका है। ये बात हुई ना, तो एक काम करो, 2 किलो प्याज, अच्छा जी, 2 किलो आलू, अच्छा जी, 2 किलो बैंगन, 2 किलो सब भर दे, ये ले 5 रुपए। अगले अरे क्या रे हवलदार, लाइट कम क्यों जाएगी? क्या फोकट में थैली भर लिया क्या? आहिस्ता आहिस्ता, एक काम कर, तेरा कोने में चलता हूँ। हवलदार कोने में? तू पब्लिक को कोने में लेके जाता, मैं तेरे को नहीं लेके जाऊंगा। अरे चल, क्या है क्या है? चल एक 200 रुपए निकाल तू। 200 रुपए? तुम्हारे बाप ने मेरे पास रखवाए थे 200 रुपए? नहीं, मेरे बाप ने बोला था तेरे से वसूल करने के वास्ते। काय के? आज तेरे पगार मिली है ना? हाँ मिली है। तो मेरी पगार किधर है? तेरी पगार साले अंदर कर दूंगा। तू मेरे को अंदर करेगा? बिल्कुल। तो फिर मैं अंदर की कहानी सुना डालूंगा। क्या? याद कर, 7 दिसंबर की वो भयानक रात। 7 दिसंबर? क्या? लॉकअप में मर्डर। माल माल माल, अंदर डाल। लेटू नहीं, थैली रहने में लेके जाऊंगा। भाजी तो रहने दो, वो मैं लेके जाऊंगा। भाजी भी? क्यों गंदी है? क्या सुन, तेरी पगार कितनी है? 1200 रुपए। अच्छा, एक काम कर, उसका 50% तो हर महीने मेरे को नेशनल पार्क में लाके दे दिया कर। क्यों? मर्डर। दे दूंगा। सुन सुन, अभी बाकी है यार। और ये डंडे के जोरों पे जितना रोज तू कमाता है ना, उसका भी 50% तू मेरे को बिजली टाकी के पास लाके दे दिया कर। इसका नहीं तो मर्डर। अच्छा सुन अभी यार, उधर जो पिक्चर लगती है ना, उसके भी 2 टिकट मेरे को रोज दिया करना। कितना बेशरम है। कौन? नहीं, मैं। ये पहला चोर है जो हवलदार से हफ्ता लेगा। अच्छा सुन। अरे बिल्कुल नहीं। अबे दादी माँ, दादी माँ, चलो खाना खा लो। देखो दादी माँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चलो माँ, उठो खाना खा लो। देखो, जब तक तुम खाना नहीं खाओगी ये बच्ची भी भूखी रहेगी, और बच्ची को भूखा रखना पाप है माँ। पाप और पुण्य को समझने की अब इस घर में शक्ति नहीं रही भैया। पिताजी को गर्व था कि यह घर सच्चाई और ईमानदारी की ईंटों से बना हुआ एक मंदिर है, मगर तुमने इस मंदिर को उस धर्म मूर्ति की कब्र बना दिया। सुनील,
क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास नहीं कर रहा है, सच कह रहा है रवि। माँ एक बार तुम शारदा की जिंदगी की कहानी सुनोगी तो। अब और कौन सी नई कहानी सुनने को रह गई है? उस रोज तूने कहा था तेरी गलती की वजह से तू उसका केस हार गया, अब वो बेसहारा हो गई। मैं मानता हूँ माँ उस दिन मैंने झूठ बोला था, मगर आज सच बोलोगे इस बात का हम यकीन कैसे कर ले? माँ को विधवा बनाने के बाद सच बोलोगे? इस घर को मिट्टी में मिलाने के बाद सच बोलोगे? घर में भी तुम अपनी वकालत के दाव पेज इस्तेमाल करने से बाज नहीं आए। तुम जिंदगी में कभी सच नहीं बोल सकते, तुम झूठे हो, मकार हो। सुनील, रवि बाबू शारदा बहन सड़क पर जा रही थी, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो रोती हुई चली गई। क्या? रुक जा रवि, अगर तूने कोई बहाना करके दोबारा शारदा को इस घर में लाने की कोशिश की तो इस बार मेरी अर्थी इस घर से उठेगी। छोड़ दो मुझे, मुझ जैसी अभागन को जीने का हक नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा हंसता खेलता घर वीरान हो गया, मेरी वजह से तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई। ऐसा मत बोलो शारदा। नहीं, औरत नहीं, औरत के रूप में एक शाप हो, बदनसीबी का धब्बा हो, मुझे अपने आप से घिनाने लगी, मुझे मर जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। तुम्हें जीने का अधिकार है या नहीं, इतनी बड़ी बात का फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से टकरा सकता है तुम उसे ही भूल गई? ओ, तुम इसलिए भूल गई कि हम साथ फेरे नहीं लगा सके, इसलिए मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं बन सका। लेकिन आज मैं अपने सारे अधिकार हासिल करके रहूंगा, आओ मेरे साथ। सर्व मंगल मांगल्य सर्वादि साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। क्या हुआ, ज्योति कहाँ है? अरे बोलता क्यों नहीं, ज्योति नहीं मिली क्या? रवि भैया ने शारदा के साथ नेहरू नगर में अलग घर बसा लिया है। क्या? और स्कूल से ज्योति को भी अपने घर ले गए। क्या? मेरी बेटी को ले गया, मेरी बेटी को? वो कौन होता है मेरी ज्योति को ले जाने वाला? माना कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन पैदा होते ही नातों से मैंने उसकी परवरिश की है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरा पूरा पूरा हक है उस पर। जा, अभी जाकर उसे लेकर आ, जा, जा। माँ मेरी बात तो सुनो, भैया उसे अनाथ आश्रम से लेकर आए थे, इसीलिए उसे ले जाने का हक भी उन्हीं का है। लेकिन मैं ज्योति के बगैर जिंदा नहीं रह सकती सुनील, जिंदा नहीं रह सकती। उसकी मीठी सुरीली आवाज सुने बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। माँ, मैं जानता हूँ माँ, तुम अपने सगे बेटे को भूल सकती हो, मगर एक पाली हुई बेटी की ममता को नहीं भूल सकती। चुप हो जाओ। रतन लाल वल्द सूरजमल हाजिर हो। चल 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 चल। अरे चला। हवलदार साहब। क्या? अरे हमारा नंबर कब आएगा, ये जैसा आप हमें कब बुलाएंगे? अरे सब करती है धंधा और रब मारती है महारानी है जैसा। जज साहब के पास तेरे अकेले का केस नहीं है, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। 3-4 घंटे? अरे तो क्या, 3-4 घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है।
आजा आजा आजा। अरे अरे माताजी, अरे क्या ये, ओ माताजी। ए भाई जरा हथकड़ी खोल दे, वरना मेरी खटिया खाली हो जाएगी। जल्दी कर जल्दी कर। अरे भाई क्या है? अबे तू तू तो मर गया था। हवलदार साहब आप हाई आइए तेजा साहब। क्या बात है? हम आपके केस की हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं, आप यहां साइन कर दीजिए। मैं सजा से बच जाऊंगा ना? श्योर। लेकिन डैडी क्यों नहीं है? वो आपको बचाने के लिए गवाहों और सबूतों के तोड़जोड़ में लगे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं अपने 80 लाख के कपड़े की मिल तुम्हारी बेटी के नाम कर दूंगा। शिमला में मेरा एक फलों का बागीचा है, वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना सर? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। वकील साहब। हाँ तेलीराम जी, हमने तो दस्तावेज भी तैयार करवा लिए हैं, ये देखिए। हाँ, ये सब तभी हो सकता है जब तेजा जेल से छूट जाएगा, और इसके लिए ये जरूरी है कि तुम्हारी बेटी प्रिया इस कागज पर दस्तखत कर दे। फिर उसके बाद आप उस कागज पर दस्तखत कर देंगे ना जिसमें बागार मिल पैसे? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी बेटी प्रिया की शादी अपने बेटे तेजा से करवा दूंगा, और फिर तुम्हारी बेटी मेरी करोड़ों की जायदाद की मालकिन बनकर राज करेगी। तो मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ, सिग्नेचर करवा के दौड़ता हुआ आता हूँ, मगर तब तक आप इसी तरह सीरियस खड़े रहना। प्रिया प्रिया प्रिया। मैं यहाँ हूँ डैडी। अरे तू वहाँ क्या कर रही बेटी? जा उठ, जल्दी उठ, जा मार्केट जा, कपड़े खरीद, गहने खरीद, जेवर खरीद, बल्कि पूरा मार्केट खरीद डाल। तू यहाँ क्या कर रहा है बेटी? जरा इस पे दस्तखत कर दे तो। ये किस चीज का कागज है? ये है ना, ये तेरी तरफ से बयान है। ये सुशीला का खून तेजा ने नहीं किया था, मेयर साहब हाई कोर्ट में अपील करके अपने बेटे का केस फिर से खुलवाना चाहते हैं, ताकि वो उस बयान से जेल से छूट जाए, और जैसे ही वो जेल से छूटेगा धूमधाम से तुम दोनों की शादी हो जाएगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं सुशीला की हत्यारे से शादी करने को तैयार हो जाऊंगी? अरे सुशीला के मर जाने से कौन सा जमीन का कोई हिस्सा धंस गया? और बेटी करोड़पति लोगों की छोटी मोटी गलती देखी नहीं जाती। आप नहीं देख सकते क्योंकि आपकी आंखें उनकी दौलत से चुंधिया गई है, इसीलिए आप अपनी बेटी को सुहागन के नाम पर सुशीला के खून से रंगा हुआ लाल जोड़ा पहना देना चाहते हैं। आप जानते हैं डैडी, मैं सुनील से प्यार करती हूँ, फिर भी आप मुझे डोली में बिठाने की जगह रुपयों के अर्थ में बिठा देना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा तो किशन चंद ने तुम्हारे डैडी को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया है? तुम तो इनकार करके चली आई, मगर अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अब हमें उससे बहुत होशियार रहना पड़ेगा। उनसे बचने का एक ही रास्ता है। क्या? अब मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। ठीक है। वन टू का फोर और फोर टू का वन। जियो भाग मारे। गुड लविंग सर, आई एम सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। बागमरे ये सब क्या है? भूखे पेट भजन नहोत गोपाला। तो होटल से खाना ले आते? क्या बात कर रहे हैं सर, आप अपनी मेहमान को मेरे गरीब खाने पर लाएं, इनको मैं होटल का खाना खिलाऊं? जी नहीं, मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगा और आप दोनों को खिलाऊंगा। आप क्यों तकलीफ करते हैं, खाना मैं बनाती हूँ। ना ना ना, मैं बनाता हूँ सर। मैं बनाता हूँ ना, मैं बनाती हूँ ना, मैं बनाता हूँ ना सर, मैं बनाता हूँ, मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी खाना, मैं बनाता हूँ, मैं बनाऊंगी। ठीक है ठीक है, आप दोनों ही बनाइए, मैं भागता हूँ। अब आओ टर्न क्विक फास्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट।
दादी माँ,
तेरे बगैर मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ बेटी? तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं कहाँ गई? बड़ा मुझे आने आया। दादी माँ, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता है, लेकिन क्या करूँ? अच्छा, वो तो ठीक है पिंकी, लेकिन तूने होमवर्क तो कर लिया ना? होमवर्क? ये क्या कर रही तू? ओफो, बुद्धू कहीं की, तेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। तुझे सब कुछ बताना चाहिए क्या? अपने आप नहीं समझ सकती? वो शनि आ गए क्या? ठीक है, कल इसी वक्त फोन करना। मुझे नहीं मानना, दादी माँ मेरे लिए दुखी होंगी, इसीलिए मैंने फोन किया था। ज्योति, ये सब मेरी वजह से हुआ। मेयर साहब, आओ जानकी दास, कैसे हो भाई? बड़े नाकस भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लो 1,00,000 रुपए। ये किस लिए साहब? उस दिन तुमने शादी वाले घर में मातम कराया था ना, ये उसी का इनाम है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। उस घर में तुम्हें अभी और मातम कराने हैं। अरे बोलिए साहब, बोलिए। प्रिया ने अपना बयान बदलने से इनकार कर दिया है और कमबख्त सुनील ने प्रिया को कहीं छुपा दिया है। अब आप यूं समझ लीजिए कि रवि के साथ साथ सुनील भी मेरा दुश्मन हो गया है। उस घर में 1-2 मातम तो क्या, मैं सारे घर को शमशान बना दूंगा ताकि आपके सीने में सुलगती हुई इंतकाम की आग ठंडी हो सके। अच्छा भाई, चलता हूँ। अरे रुको जानकी दास, मेरा हिस्सा तो देते जाओ। कौन सा हिस्सा? अरे ये धंधा तो मैंने तुम्हें दिलवाया था ना, 1,00,000 रुपए में से 50,000 मुझे मिलने चाहिए। अच्छा, आज तेरी इतनी जरूरत की तू मुझसे अपना हिस्सा मांग रहा है? जब तू भूखा मरा करता था और भीख मांगा करता था और मैंने तरस खाकर तुझे अपने पास रखा था, उस वक्त तूने अपना हिस्सा नहीं मांगा। याद रख, अगर मगरमच्छ और मेंढक एक ही घाट में रहने भी लगे तो मेंढक की नस्ल नहीं बदल जाती, और अगर वो अपना पतन फुलाकर मगरमच्छ बनना चाहे तो फटकर मर जाता है। इसलिए अपनी औकात में रहना सीख। तो तुम मेरा हिस्सा नहीं दोगे? हाँ देता हूं। ये ले, ये 100 रुपया रख, शराब पी और ऐश कर। वाड़ी नाके सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरा इंसाफ कीजिए, मेरा परिवार तबाह होने से बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। मुझे शोर मत मचाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। एक बार तो मैंने अपनी बीवी को आपके भाई के पंजे से बचा लिया, लेकिन जैसे मैं जेल के अंदर गया, रवि ने चुपचाप शारदा से नाजायज शादी कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं इंस्पेक्टर, आपके भाई ने इस बेचारे की लाडली बेटी पर भी कब्जा जमा लिया। कौन सी बेटी? ज्योति। क्या मांग रहे हो तुम? ज्योति बचपन से हमारे घर में पली है। पली होगी, लेकिन शायद आपको यह नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब कि एक कत्ल के जुर्म में शारदा 7 साल तक जेल में थी, और जेल ही में शारदा ने ज्योति को जन्म दिया। और ये रहा जेलर का सर्टिफिकेट। आप खामोश क्यों हैं इंस्पेक्टर साहब? इसलिए कि इस केस में गुनेगार आपके भाई हैं और आप अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। क्या बात कर रहे हो जानकी दास, मैं इंस्पेक्टर सुनील को अच्छी तरह से जानता हूँ। जब ये वर्दी में होते हैं तो किसी रिश्ते नाते को नहीं पहचानते। हाँ देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन आपके अंडर है, इसलिए हम ये कंप्लेंट लिखवाने भी आपके पास आए। लेकिन अगर किसी वजह से अपने भाई पर एक्शन लेते हुए आपको झिझक महसूस होती है तो हम ये केस हायर अथॉरिटीज के पास ले जाएंगे। ज्यादा बकवास मत कीजिए, अपनी कंप्लेंट लिखवाओ। तुम आओ, अंदर आओ, आओ बैठो। आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। माँ जी ने बुलाया है? नहीं, आपको नारी निकेतन चलना होगा। जानकी दास ने दावा किया है कि आप उसकी बीवी हैं। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता आपको वहीं रहना होगा। इंस्पेक्टर साहब, असली बात आप भूल ही गए, मेरी बेटी के बारे में। मैं भी कितना अभागा हूँ, जब से बेबी पैदा हुई है
एक बार भी मैंने उससे अपनी गोद में नहीं खिलाया है। बरसों से उससे अपना सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, जरा ऐसे ये तो पूछिए, मेरी नन्नी मुन्नी गुड़िया, मेरी प्यारी सी बिटिया कहाँ है? जलील, निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। लेकिन आप इसका पागलपन, छोड़ दो मुझे। रुक जाइए, ले जाओ इन्हें। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं रवि से पूछे बिना इस घर के चौखट से बाहर कदम नहीं रखूंगी। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। रुक जाओ, छोड़ दो इन्हें। इन्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। मेरे पास इनके नाम का वारंट है। लेकिन मेरे घर के अंदर किसकी परमिशन से आए? सच वारंट है तुम्हारे पास? जिसको गिरफ्तार करना हो उस तक पहुंचने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती? पड़ती है, इसलिए कि ये शहर के जाने माने वकील का घर है, कोई नाजायज दारू का अड्डा नहीं जहां पुलिस बेधड़क घुसाए। नाजायज दारू बेचने से ज्यादा सीरियस केस होता है नाजायज शादी का। तुम्हें किसी के घर की इज्जत को बर्बाद करने का कोई हक नहीं। तुमसे ज्यादा हमारे घर की इज्जत को और कौन बर्बाद कर सकता है? आज सारा शहर हमारे नाम पर थूक रहा है और इस सब की वजह तुम हो भैया। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम शारदा को अदालत में घसीट कर हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। इसलिए कि अब ये सिर्फ मेरी नहीं हमारे खानदान की इज्जत बन चुकी है। खामोश रहो भैया, तुमने माँ की मांग का सिंदूर पहुंचकर इसकी मांग में भर दिया है। ये मुझे अपने खानदान की इज्जत नहीं बल्कि अपने माँ के अरमानों की जिंदा लाश नजर आती है। सुनील, ये तुम्हारी हवस और अय्याशी की वो मूरत है जिसके लिए तुमने सारे घर को बर्बाद कर दिया। खामोश! एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने का अंजाम जानते हो? मुझे कानून सिखा दो। शारदा, अबे क्या है? शर्म नहीं आती क्या? चल शर्म साला, एक तो पॉकेट भी नहीं आया यार। पंजे पे तो कड़की की बारिश हो रही है। ए सुन, दो भेलपुरी, दो रगड़ा पेटी, दो बटाटा पुरी, जल्दी 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 कर सा। ए अबुलाल, अपनी दुकान है, कुछ हो जाए क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। हवलदार साहब के लिए दो पैम्पलेट बना। अरे दो दो नहीं, दस दस प्लेट, बहुत भूख लगी है। दस कहाँ डालोगे? पेट में डालोगे, मतलब पेट में। इतनी जगह है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए थोड़ा। बताओ कैसे खा रहा है? क्या कुत्ते की तरह खाते हो यार? बड़ा मजा आया। कितना पैसा हुआ? 60 रुपए हुए साहब। बस, अरे दुकान है कि यतीम खाना? थैंक यू। ए जाता किधर? 7 रुपए देना। ज्यादा सयाना मत बनना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। नहीं देगा? भूल गया, 7 दिसंबर की वो भयानक रात, लोगों में मर्डर और जोरदार चीख और मशीन गन की तरह हंसने वाला एक महान युग पुरुष सेंट्रल बैंक के सेफ डिपॉजिट से भाग गया। चल नहीं, नहीं झूठ बोलता है, चल नहीं झूठे। अच्छा झूठ बोलता है, ये बिल्कुल सही है। अबे वो मशीन गन सामने आ। पैसा निकालो, 60 रुपया। पैसा नहीं दे आएगा? नहीं, ये तो छोड़ना नहीं। तुम्हारी प्लेट धोने की जगह कहाँ है? अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाने का कमीशन? कमीशन नहीं, परमिशन। परमिशन? हाँ, हाँ। अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये कैसा अन्याय है हवलदार साहब, अपनी पत्नी की बीमारी दूर करने के लिए मैं माता भगवती के मंदिर से पूजा करके आया हूँ, आपके लिए प्रसाद भी लाया हूँ, जरा देख तो लो। रिश्वत दे रहे हो? ये रिश्वत नहीं है, ये मरीज के लिए हॉर्लिक्स खरीदने के लिए पैसे है। हॉर्लिक्स? सर ऐसा पत्नी व्रता मैंने कभी नहीं देखा। देखिए ना, बेचारा मंदिर में अपनी पत्नी के लिए पूजा करके आया है, इसे जाने दीजिए। हाँ, इसको नहीं जाने दिया तो पाप लगेगा। बहुत बड़ा,
ठीक है तुम जाओ, हम हॉर्लिक्स मिला देंगे। इसे मुझे दे दो, पांच दिनों बाद कोई हॉर्लिक्स मिलाने वाला दिखाई दा। मैं यहाँ क्यों आए हो? मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर कानूनी तौर पर कोर्ट में आकर मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। शट अप, आइंदा उसे अपनी बेटी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। छी छी छी, राम की पूजा करने वाले इस देश में पत्नी को अपने पति परमेश्वर के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चले जाए यहाँ से। I say get out। शांति शांति शांति, गुस्सा मत करो। तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर तुमने अदालत में ये नहीं कहा कि वो मेरी बेटी है और रवि तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करने की धमकी दे रहा है तो स्कूल के बगल वाले शमशान में तुम्हारी बेटी की मैं चलता हूँ। आड़े नाकस, हॉर्लिक्स पिला देना। है? तुम्हारी बच्ची की लाश के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, तुम्हारी बच्ची की लाश के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। कैसे है तू? दादी मैं अच्छी नहीं हूँ दादी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती। चल तू मेरे साथ अभी घर चल। लेकिन बड़ा मुझे फिर से अपने घर ले जाएगा। नहीं, मैं तुझे ऐसी जगह छुपाऊंगी वहाँ से तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चल। जानकी दास, आप अदालत से क्या कहना चाहते हैं? जज साहब, आज तक मैं चीख चीख कर कहता रहा हूँ कि शारदा मेरी बीवी है और ज्योति मेरी बेटी है, लेकिन किसी ने मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरी बीवी और बच्ची वापस दिला दीजिए। मुझे मेरी बीवी। सुनिए मेहनत, योर ऑनर, पुलिस की इत्तला के मुताबिक शारदा देवी पुलिस कस्टडी से भाग गई हैं। ये झूठ है जज साहब, ये वकील रवि कुमार की चाल है, इसी ने मेरी बीवी को गायब किया है। जज साहब, ये मुझसे मेरी बीवी और बच्ची को हमेशा के लिए छीन लेना चाहता है, ये धोखेबाज है, मक्कार है। जज साहब, जब तक इस केस की अहम गवाह शारदा देवी कोर्ट में पेश नहीं की जाती तब तक के लिए इस केस की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। अरे आई थी और आपका रिवॉल्वर लेकर फौरन चली गई। हेलो, मैं संग्राम बोल रहा हूँ। जिस शारदा के लिए तुम परेशान हो गए वो मेरे पास है। शाबाश संग्राम, फाड़ी नाकेस, शारदा को फौरन मेरे पास लेकर आओ। ऐसे नहीं होगा जानकी दास, बहुत दिनों तक तुमने मुझसे गुलामी करवा ली, अब तुम्हारे और मेरे बीच में सौदेबाजी होगी। तुम्हें शारदा तभी मिलेगी जब तुम मुझे 10 लाख रुपया दोगे। क्या 10 लाख? 10 लाख नहीं कुत्ते, तुझे मौत दूंगा। मौत? ओहो, 1 घंटे के अंदर अंदर 10 लाख रुपया लेकर 3SS क्लब में पहुंच जाना, वरना शारदा को मैं रवि के हवाले कर दूंगा, समझे?
ये लो और जाओ। मैं आपका 10 लाख रुपया और शारदा दोनों लेकर आऊंगा। मैं उस कमीने को बता दूंगा कि आम चाहे जितना भी बड़ा फले, पेड़ की डाली के नीचे ही रहता है। शारदा कहाँ है? वहां है।
मेरी जान, मुझसे बचकर भागना चाहती थी? फाड़ी नाकस, फाड़ी नाकस। संग्राम, तुम मेरी शारदा को मेरे हवाले कर रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जानकीदास, मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं, रुपया चाहिए। अरे भाई, रुपया ही तो लेकर आया हूं, ये देखो देखो देखो। जानकीदास को मारने के लिए, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया था। लेकिन मेरी बदकिस्मत ये हुई कि उस तक पहुंचने से पहले मैं इसके हाथों में पड़ गई। हाँ सुनिए, इसने जानकीदास से मेरा सौदा करना चाहा, दोनों में झगड़ा हुआ और जानकीदास ने इसका खून कर दिया। झूठी कहानियां बनाने में तो तुम बहुत होशियार हो। अमलदार, मैं सच कह रही हूँ, ये निर्दोष है, इन्होंने खून नहीं किया। आज जाइए। आखिर इस औरत ने तुम्हें वकील से कातिल बना ही दिया। पाजी, पाजी, पाजी। कौन? तू? पाजी, क्यों आई है यहाँ? अब इस घर में कौन सी खुशी बाकी रह गई है जिसे तू लूटने आई है? तेरी वजह से राम लक्ष्मण जैसे भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। तेरी वजह से मेरी मांग का सिंदूर मिट गया। अब और क्या बदला लेने आए है तू इस चौखट पर? चली जा, चली जा यहाँ से। नहीं बाजी, नहीं, ऐसा मत कही। मैं तो अपना मन उस चेहरा आपको जिंदगी भर नहीं दिखाना चाहती थी, मगर आज मैं बहुत ही मजबूर होकर इस चौखट पर आई हूँ। माजी, आपके छोटे बेटे सुनील ने रवि को खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। जो उन्होंने नहीं किया है माजी। ओ, तो तुम अपना रोना लेकर यहाँ चली आई? बेटी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ माँ, भैया ने इस जलील औरत के लिए एक गुंडे का खून कर दिया। नहीं, ये झूठ है, ये इल्जाम है उन पर, वो बेगुनाह है। माँ, मैंने भैया को रंगे हाथों पकड़ा है और सारे सबूत उनके खिलाफ है। मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे अपने भाई के हाथों में हथकड़ी पहनानी पड़ी और अपनी फर्ज की खातिर उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाना पड़ेगा। इस सारी मुसीबत की जड़ ये औरत है माँ, ये औरत है। ये औरत नहीं, औरत के नाम पर एक कलंक है, धब्बा है। पति के होते हुए दूसरे मर्द को फंसाना एक बच्चल औरत ही कर सकती है। तुम मक्कार हो, कुलटा हो।
से मत कहिए। मेरे माथे पर बदनामी का कोई कलंक नहीं है और आपका बेटा मुजरिम नहीं है। हमने कोई पाप नहीं किया है माँ जी, हमने कोई पाप नहीं किया है। आज तक हमने आपसे एक राज छुपाए रखा, उसके लिए आप सब हमसे नफरत करने लगे हैं। आज आज मैं वो राज बताती हूँ। जब आपका बेटा नागपुर में लॉ पढ़ रहा था, मैं भी वहीं पढ़ रही थी। वहां हम दोनों की दोस्ती हुई और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गए और फिर हमारे मन ही नहीं तन भी मिल गए। जब रवि को यह मालूम पड़ा कि मैं मां बनने वाली हूं, तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे फौरन शादी कर लेंगे, लेकिन मेरे भाई ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसने मेरी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए कर्ज लिए हैं। जब तक वो कर्ज नहीं चुका दिया जाता, हमारी शादी नहीं हो सकती। रवि ने वो कर्ज चुकाने का वादा कर दिया। मुझे हत्याने की नीयत से जानकी दास ने मेरी पढ़ाई के लिए वो रुपए कर्ज में दिए थे। वो रुपए वसूल करने के लिए जानकी दास पंचायत लेकर मेरे घर पर आ गया। पंचायत ने फैसला किया कि सोमवार को 4 बजे तक अगर जानकी दास का रुपया ना लौटाया गया तो मुझे जानकी दास से शादी करनी पड़ेगी। सोमवार को मैं रवि के आने की राह देख रही थी, लेकिन उठा के फेंक दो पुल के नीचे। लेकिन अभी अभी तुम्हारे भाई ने कहा है कि उसने तुम्हें धोखा दे दिया है, इसका मतलब वो कभी नहीं आएगा, इसलिए अब तुम्हें जानकी दास से शादी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकती, ये शादी कभी नहीं हो सकती। अरे कैसे नहीं हो सकती, बहुत हो चुकी तेरी मनमानी। अब गांव वाले और पंचायत तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं ये शादी इसलिए नहीं कर सकती कि मैं और रवि प्यार में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वाह, सुना आपने, कॉलेज में पढ़कर कहानियां भी लिखनी शुरू कर दी। अरे झूठ बोल रही है मक्कार, ये सब इसका क्रिया चरित्र है। अरे ओ, इसका तेरा नाटक। ले जाओ इसे और शादी की तैयारी शुरू करो। नहीं नहीं भैया, मैं ये शादी नहीं कर सकती। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्या है? समझ गया, घर में कोई छोटा नहीं है ना, इसलिए तुम दुआ छकाई के लिए आ गए। ये लो। ये क्या? मुझे तो 30,000 रुपए चाहिए, 25,000 रुपए अपनी बहन से शादी कराने के लिए और 5,000 उन गुंडों को देने के लिए जिन्होंने रवि को मारा। मारे नाकेस, जब रवि को मार कर खाई में फेंक दिया था तो उसके 50,000 रुपए तुम ही डकार गए थे ना? उन रुपयों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम अपना हिसाब चुकता करो। अरे भड़कते क्यों हो साले साहब, तुम कल सुबह आके अपने 30,000 रुपए ले जाना। देखो मेरा मूड मत खराब करो, मुझे स्वागत मनाने दो। चलो दरवाजा खोलो। हाँ खोलता, अभी खोलता। हाँ तुम लोगों ने मिलकर रवि को मार डाला। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पहुंच गई ना तो हम सब फांसी।
फांसी पे लटक जाएंगे। मैं तो कहती हूँ मार डालो उसे, जाओ जल्दी। छोड़ूंगा तुझे। मुल्ज़िमा शारदा देवी ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है, लिहाजा अदालत के लिए शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। इसलिए मकतूल चंदू के कत्ल के जुर्म में यह अदालत इंडियन पीनल कोड की दफा 304A के तहत शारदा देवी को 7 साल की सजा बामुशक्कत सुनाती है। नहीं, शारदा ने ऐसा क्यों किया? मैंने जो कुछ भी किया इसमें हम सबकी भलाई है। सबकी भलाई के लिए हमेशा तुम्ही क्यों त्याग करती रहती हो? ये त्याग नहीं है। और क्या है? कत्ल मैंने किया है और सजा तुम काट रही हो। ये सजा नहीं है रवि, एक तरह से भगवान का वरदान बन गया है मेरे लिए। लेकिन ये मेरे लिए श्राप है। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जेल में नहीं रहने दूंगा। ऐसा मत कहो रवि, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। सारी दुनिया में मेरा कौन है तुम्हारे सिवा? तुम जेल चले गए और मैं बाहर रह गई तो मुझे जानकी दास से कौन बचाएगा? और अपने बच्चे के लिए कहां कहां और कब तक उससे भागती रहूंगी? वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और जब भी मैं उसे मिल जाऊंगी वो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आएगा और तब एक माँ क्या भी लुट जाएगी। ये सब तुम्हारा वहम है शारदा। कही सच्चाई जानकर आप लोग मुझे स्वीकार न करें, इसी डर से उन्होंने आपसे झूठ बोला। मेरी बेटी ज्योति को अनाथ कहकर उन्होंने आपके पास लाकर रख दिया ताकि उसे मां की ममता मिल जाए। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, एक तरफ पति को खो रही हूं और दूसरी तरफ मेरी बेटी ज्योति को किसी ने अगवा कर लिया। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको भैया को गलत समझा। मैं वादा करता हूं कि जिन हाथों से मैंने भैया को हथकड़ी पहनाई है मैं उन्हीं हाथों से वो हथकड़ी तोड़कर भैया को सही सलामत घर लाऊंगा। रो मत बहू, ज्योति को मैंने छुपा के रखा है। क्या सच बाजी? हाँ बहू, चल बेटा। रामलाल, 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 क्या हुआ? ज्योति कहाँ है? साहब, कुछ गुंडे लोग आए थे, वो ज्योति बीवी को जबरदस्ती उठाकर ले गए। चल। लक्ष्मी जमीन पर। पकड़ लिया, कहाँ भागता है? नोट बाजार में चलता है, जमीन पे थोड़ी चलता है। अरे ये क्या हो रहा? ये कौन लेकर आया? हम लाए। ये अपने बाप को क्या मुर्गा समझ रखा? खोल उसको। नहीं नहीं, तू कौवा है, कौवे को मुर्गा समझता है क्या?
बेटे तो काम कर, अपने सड़े हुए बाप का एक सड़ा हुआ कमीज, एक सड़ा हुआ पतलून और एक सड़ा हुआ कोट लेकर आ जा। अच्छा चाचा। चाचा ये छछुंदर को तो चाचा बोल रही है। अबे तू मेरे कपड़े पहन के क्या करेगा? मैं तेरे कपड़े पहन के ये तेरी जैसी मूछ लगा के थोड़ी देर के वास्ते तेलीराम बन के तेरा कवाड़ा कर डालूंगा। अरे अरे नहीं तू मेरा भाई। अरे यार तेरे भाई की तेरे जैसे सड़ियल को कौन भाई बनाएगा? जाती उचारेगा फोड़ डालूंगा। तेजा को रिहा करवाने के लिए मुझसे 5,00,000 रुपए जगा चुके हो, लेकिन अभी हाथ पे हाथ रखकर खड़े हो। अरे जब मेरा बेटा जेल की कोठरी में सड़ सड़ के मर जाएगा तब भी लोग यहाँ से। आज सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का आखिरी दिन है, जाते क्यों नहीं? जाओ अपील करो। आप बिना वजह मुझ पर चिल्ला रहे हैं, किस बलबूते पे अपील करूं? न कोई गवाह है न सबूत, और आप प्रिया का बयान भी ना बदलवा पाए। वकील साहब उसका बयान मैं बदलवा दूंगा। कैसे? उसके यार की चहेती ज्योति मेरे कब्जे में है। नहीं, 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 मुझे मत मारो, आप लोग जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। चलो इस कागज पर दस्तखत कर दो। करती हूँ करती हूँ, लेकिन मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन कोर्ट में तुम्हें यह बयान देना होगा कि सुशीला के कत्ल के वक्त तेजा वहां नहीं था। लेकिन तेजा तो वहां था। हाँ था, लेकिन तुम यही कहोगी कि वो वहां नहीं था, तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। कहीं मर्डर केस में पुलिस उल्टा मुझे ना फंसा ले। घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? संग्राम को मारा आपने और पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया। ओहो, संग्राम को मैंने नहीं मारा था, संग्राम को तो जानकी दास ने मारा था। जानकी दास ने? हाँ मैंने। आपने? हाँ मैंने। जो मेरा दुश्मन हो जाता उसकी जान की खैर नहीं रहती। मेरा नाम जानकी दास है। क्या नाम आपका? जानकी दास। साले संग्राम ने मुझसे 10,00,000 रुपया ऐंठने के लिए शारदा को किडनैप कर लिया था, इसलिए मैंने रवि की पिस्तौल से उसे मार डाला और खून का इल्जाम रवि पर लग गया। ओहो तुम क्यों डर रही हो? अरे तुम तो हमारा साथ दे रही हो। चलो दस्तखत कर दो। शाबाश। चलो 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 चलो। शाबाश शाबाश। अरे करना देखती क्या है? अभी आ गए हो दस्तखत करो, मेरा बगीचा वो। हाँ वकील रेडी। किशनचंद जी अब तेजा बच जाएगा, ऐसी ठोस अपील लिखी है जो मंजूर भी होगी और केस की पहली तारीख को तेजा बाइज्जत रिहा भी कर दिया जाएगा। डैडी डैडी मैं आ गया। क्या बेटे तुम यहाँ कैसे? अरे मैं जेल तोड़ कर भाग आया। क्या? हाँ? हाँ? किशनचंद जी अब आपके बेटे को कोई नहीं बचा सकता। शट अप। वकील के बच्चे अगर मेरा बेटा नहीं बचा तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो कौन बोल रहा? इंस्पेक्टर सुनील, अब तक तेजा तुम्हारे पास जरूर पहुंच गया होगा। बकवास बंद करो। बोलो ज्योति कहाँ है? बताओ ज्योति कहाँ है? तुम तो ऐसे तड़प रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारा दिल निकाल लिया हो। और तुम खुश इसलिए हो कि तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा कलेजा हम निकाल आए हैं। मैं तेलीराम धोखेबाज का खून का डालूंगा। अगर तुम तेलीराम का खून का डालोगे तो तुम भी फांसी पर चढ़ जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, गद्दारी है चमेली राम ने किया। इसने इसने ये करा है इसने ये। अबे चुप, ज्यादा होशियारी करेगा तो जबड़े में से दांत का फर्नीचर निकाल डालूंगा, समझा? अगर तुम ज्योति को जिंदा वापस चाहते हो तो कल ठीक 1 बजे कैसेट को लेकर जनता मिल में पहुंच जाना, समझे? वो कमीना जानकी दासी ज्योति को उठाकर ले गया होगा। रवि साहब ज्योति का पता चल गया सर। कहाँ है वो? मैंने जानकी दास को ज्योति को रतन नगर सोसाइटी में ले जाते हुए देखा, उसने वहां किसी बिल्डिंग में छिपा रखा उसको। आप परेशान क्यों होते हैं? ये ताला खुल जाएगा चाहे मेरी नौकरी क्यों ना चली जाए। ज्योति 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 छोकरे क्यों चला रही है? मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। हाँ करो करो, सारे भगवान भी मिलकर तुझे नहीं बचा सकते। कृष्ण 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 गोविंद मुरारी, कृष्ण गोविंद मुरारी।
किशनचंद, 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 आओ। कैसेट लाए? ये रहा तुम्हारा कैसेट, तुम्हारी ज्योति। कैसेट फेंको। लो, पकड़ो अपनी ज्योति। ये क्या? ये तो पुतला है। पुतला नहीं तो असली ज्योति तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हा? मुझे क्या इतना बेवकूफ समझते हो? मैं क्या ये नहीं जानता कि एक कैसेट के हजारों डुप्लीकेट कैसेट बनाए जा सकते हैं? किशनचंद, तुम आग से खेल रहे हो, चल जाओगे। वाह, हमारी बातें हम ही से? अरे बरखुरदार, हम यहाँ आग में जलने के लिए नहीं आए, बल्कि आग को बुझाने के लिए आए हैं। हमने तुम्हें इस मिल में इसलिए बुलाया है ताकि हम तुम्हारी लाश को इसी मिल के अंदर दफना सके। जिंदा नहीं छोड़ना साले को, खत्म कर डालो। इधर ला, इधर ला। किसी भी दफा के तहत गिरफ्तार कर लूंगा। माझी मुंबई पुलिस, जाए मुंबई डेरी। तेलीराम, किशन साहब का चमचा, तुम लोग का दोस्त चमेली राम, वो देखो। तेलीराम, तुम मुझे मार रहे थे? हाँ, नहीं नहीं, मैं फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मेरा वेस्ट इंडीज में सिलेक्शन हो गया, बहुत पैसा खिलाया, तो मैं वेस्ट इंडीज जा रहा हूँ। तो तेलीराम ही हो ना? हाँ, मैं तेलीराम हूँ। क्यों, आपको तेल की बदबू नहीं आ रही? Fire!
बड़ा इंस्पेक्टर साहब, यही वो कैदी जो जेल से भाग कर आया है, गिरफ्तार करने जैसे। कमीने, धोखेबाज, मुझसे गद्दारी करता है। क्या करता साहब, मैं मजबूर था। आपने कहा था अगर मैंने आपके बेटे को न बचाया तो आप मेरी जान ले लेंगे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे आपको गिरफ्तार करवाना पड़ा। ले जाओ इन दोनों को। अरे ठहरो ठहरो इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी को गिरफ्तार करने तो रहे। ए भैया, तुम जेल यात्रा पे जाने के पहले तैयारी करके बैठे हो। हाँ समझा, उधर हराम का खाना मिलता है। नहीं अबे साला, नियत ठीक नहीं, कम से कम मुंह तो ठीक रख। अच्छा मेरी बात सुन, तू एक काम कर, तू जेल में जाकर ना चक्की पीसते हुए राम राम करते रहना और मैं तेरे माल को अपना अपना करता रहूंगा। इसको लेकर जाओ, बहुत फांदेबाज आदमी भाग जाएगा। चले फाड़े ना के, चल निकल, चल चल फाड़े ना के, निकल। छोटे छोटे, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं दादी माँ। और तुम्हें बड़े, आपने मुझे बताया नहीं लेकिन फिर भी मुझे मालूम पड़ गया कि आप मेरे डैडी हैं। डैडी, आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं बेटे,